हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओपस किचन। आज का रेसिपी मिक्स दाल ढोसा कैसे बनते हैं, चलिए दिखाती हूँ। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्राइंडर का जार ले लिया और जो चार टाइप का दाल भिगा के रखा था वो पहले पीस के रेडी कर लेती हूँ, फिर चावल पीसूंगी। चार टाइप का जो डाल लिया पहले पीस के बाउल में निकल लिया और जो चावल का पेस्ट बनाया साथ में ही डाल देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करके हाफ एन आवर साइड में छोड़ देती हूँ। मिक्स दाल का जो बेटर बनाया उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। डोसा के लिए इतना बेटर गाढ़ा हो गया, इसके लिए पानी ऐड करती जाऊंगी और अच्छी तरह से मिक्स करके डोसा का बेटर तैयार कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके ऐसे पतला बेटर तैयार कर लिया। चलते हैं डोसा बनाने की तरफ। तवा गर्म होने के लिए रख दिया, पहले ऐसे पानी का छीटा देके जो हीट है वो कम कर लेने का और जो डोसा बेटर तैयार करके रखा और एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके और अच्छी तरह से स्प्रेड करते जाने का एक ही डायरेक्शन में। ऊपर जैसे सूख गया तभी ऊपर से ऑयल ऐड कर देने का और 2 मिनट क्रिस्पी होने तक सेक लेने का। अच्छी तरह से सीख के रेडी हो गया। दूसरी तरफ भी दिखाती हूँ कितना अच्छा कलर आया और 1 मिनट दूसरी तरफ भी सेक लेती हूँ। बहुत ही अच्छा डोसा बन के रेडी हो गया। गर्म होने के लिए रख दिया, हीट कम करने के लिए पहले पानी छिटके और टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया। अभी जो बेटर बना के रखा था ऐसे एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से स्प्रेड करते हुए डोसा को बना लेने का, ऊपर सूखने तक ऐड करने का। ऊपर जैसे सूख गया ऐसे हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर देने का। डोसा का कलर भी चेंज हो गया साइड से, देखिए बहुत ही अच्छा डोसा बन के रेडी हो गया। सेम प्रोसेस में सारे डोसा को बना के तैयार कर ली। मिक्स दाल की डोसा बन के रेडी हो गया, बहुत ही अच्छा कलर आया और प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। मिक्स दाल की डोसा मैं आलू की सब्जी और कोकोनट की चटनी के साथ सर्व किया। कोकोनट की चटनी पहले ही मैं देख के रखा, आप लोग देख सकते हैं, और आलू की जो सब्जी बनता है डोसे के साथ, देखना चाहिए तो कमेंट करके बताइए, जरूर मैं दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ।